close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on अभी इसकी आंख ना किनारे से ऐसे ही है, दवाई भी डाल दी हूँ लेकिन अभी बिल्कुल ठीक नहीं हुई है। तो दोस्तों पहले चाय पी लेती हूँ फिर उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. तो यहाँ पे मैंने पूरे घर में पोचा लगा लिया था, लेकिन वीडियो मैंने थोड़ा सी दिखाई इसी वाले रूम की, और पूरी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाती फिर वीडियो। तो इसके बाद मैं आ गई हूँ नाश्ता बनाने। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ रोटी, और प्राप्ति बना रही है भिंडी की सब्ज़ी। तो वो सब्ज़ी बना रही थी मैं, रोटी बना रही थी। आज संडे है तो थोड़ा मदद मिल जाती है बच्चों से भी, तो जल्दी हो गया था। फिर मैंने रोटियां बेल ली, उसने भिंडी की सब्ज़ी बनाई। तो सब्ज़ी थोड़ा सी बनाई, कुछ रात के काले चने के छोले बचे हुए थे तो बच्चों ने वही खाई, बस हम दोनों ने, पीयू के पापा ने और मैंने ही खाई भिंडी की सब्ज़ी। इनके लिए तो छोले बचे हुए थे रात के। तो यहाँ पे मैं फटाफट रोटियाँ सेक रही हूँ। आटा पहले से लगाया हुआ था, और जो आटा पहले का लगाया रहता है तो अच्छी तरह से सेट हो जाता है, उसकी रोटियां भी अच्छी बनती हैं। उसी समय आटा गूंदो उसी समय बनाओ तो वो रोटी अच्छी नहीं बनती हैं। तो उसकी सब्ज़ी बन रही है और मेरी रोटी बन रही है, साथ ही साथ मैं भर रही थी पीने का पानी भी। एक साथ दो दो काम हो जाते हैं, तो इसमें मैं भर रही हूँ पीने का पानी। और यहाँ पे बाल्टी पे नहाने के लिए रखा था हस्बैंड के लिए, वो अभी गर्म पानी से ही नहाते हैं हमेशा, क्योंकि उनके कमर पे पेन होता है इसलिए वो ठंडे पानी से नहीं नहाते हैं। तो रोटी बन गई थी, मैंने पीने का पानी भी भर लिया था। यहाँ पे दूध आ गया था तो दूध गर्म हो रहा था, और सब ने नाश्ता कर लिया था। नाश्ता करने के बाद यहाँ देखिए सिंक किस तरह से फुल भरा हुआ है बर्तनों से। सारे बर्तन मैंने सिंक में डाल दिए थे, और दूध गर्म करने के लिए रख दिया था तो साथ में दूध भी गर्म होता रहेगा, और मैं सारे बर्तन भी मांज लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे बर्तन साफ़ कर लिए, स्लेब साफ़ कर दिया है, बर्तन भी मेरे सारे साफ़ हो गए हैं। तो दूध गर्म हो गया था, और जो दूसरा वाला दूध है वो गर्म हो रहा था। अलग अलग दूध गर्म करती हूँ, गाय का दूध अलग और भैंस का दूध अलग। तो और साथ में पानी भी रखा था मैंने पीने के लिए, और पूरी सफाई वगैरह हो गई थी, सारे काम हो गए थे। यहाँ पे पीयू की हो रही थी पढ़ाई, तो मैं उसको भी पूछ रही थी
काम करते करते टेबल वगैरह कुछ भी मैं पूछती रहती हूँ। और यहाँ पे कपड़े तो मशीन में धुले हैं, कपड़े धो के मैं आ गई थी ऊपर छत में सुखाने के लिए, तो गौरव आ गया था पीछे पीछे, तो उसने थोड़ा सा सूट कर लिया। वैसे मैं ऊपर कभी फ़ोन नहीं लाती हूँ छत में, इतना ध्यान भी नहीं रहता, और पहली बार वो ऊपर फ़ोन लेके आया तो उसने थोड़ा सा सूट कर लिया था। मैं यहाँ पे कपड़े सुखा रही थी, पीहू भी साथ में आई हुई थी छत में, तो ये खूब मस्ती कर रही थी। और देखिए इसकी आँख अभी तक पता नहीं क्या हो रहा है इसकी आँख में, दवा भी मैं ला गई थी, खाने की दवाई भी ला रखी है और डालने की भी ला रखी है, लेकिन कुछ एक दिन ठीक होती फिर दूसरे दिन वैसे हो जाती है, लाल सी हो रखी है और सूज भी रखी है। और ये मेरी हेल्प कर रही थी, बाल्टी से मेरे पास कपड़े दे रही थी सुखाने के लिए, कुछ 3-4 मास हुए थे तो वो मेरे पास दे रही थी। मैंने कहा इनको नीचे ही ले जाओ, इनको सुखाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आ गई थी छत से कपड़े सुखा के नीचे, अभी मैं पीहू को यहाँ पे पढ़ा रही थी और इसको टेबल दिए हैं कुछ लर्न करने के लिए, तो वही मैं इसको पूछ रही थी, और इसको 12 का 13 का दिया था मैंने, तो इसको अभी अच्छी तरह से याद नहीं हुआ, और मैंने इसको फिर से लर्न करने के लिए दे दिया। हाँ एक मिनट, एक मिनट ज़रा थोड़ा मुँह के अंदर लर्न करो, ठीक है। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही ना आजकल, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बाहर धूप है, धूप इतनी तेज़ नहीं है, हल्की हल्की है, लेकिन फिर भी देखिए चिपचिपा सा तैली है, त्वचा हो रही है। और गाइज आज की वीडियो में मेरा इतना ही था, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और जो लोग फर्स्ट बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज। बहुत सारे लोग हैं ना जो कि वीडियो तो देखते हैं, 40% लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि मेरी जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो गाइज मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय पीहू, बाय बाय। वो अभी बिजी है, उसे लर्न करने के लिए दे रखा है, तो बाय बाय।